नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम NTSC की परीक्षा के एक बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज का हमारा विषय है ज्योमेट्री, मिरर एंड वाटर इमेजेस या ज्यामिति, दर्पण और पानी की छवियां। मित्रों, ज्योमेट्री के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कुछ गुण याद रखने होंगे। मेरा ये सुझाव है कि आप अपने गणित की पुस्तक में दिए गए सारे थ्योरम्स या प्रमेयों को अच्छे से याद कर लें। आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ गुण यहाँ लिखे हैं। सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसकी परिधि होती है 2πr या पाई डी। यहाँ पे आर हमारा त्रिज्या है और डी हमारा व्यास है। पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बी एच। यहाँ पे बी हमारा बेस या आधार है और एच हमारी ऊंचाई या हाइट है। रोम्बस या विषम कोण का क्षेत्रफल होता है हाफ डी वन डी टू। यहाँ पे डी वन और डी टू विषम कोण के डायगनल या कड़ है। NTSC की परीक्षा में आने वाले कुछ बहुमूल्य प्रमेय मैंने यहाँ लिख दिए हैं, परंतु मेरी सलाह यही होगी कि आप जितने ज्यादा प्रमेयों को याद रख सके उतना ही बेहतर होगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पॉज करके इन प्रमेयों का संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे गुण के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उपयोग हम आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज की पेरीमीटर होती है ए जोड़ बी जोड़ सी और उसके सारे एंगल या कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। उसका एरिया या क्षेत्रफल हम इस प्रकार ढूंढते हैं, जिसे हम हेरॉन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर हम कोई समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल लें तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कहता है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ सी हमारे समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूस है या 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड है। अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो कहता है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी जोड़ एंगल ए सी बी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल इस एंगल और इस एंगल का जोड़ है। साथियों, अब हम दर्पण छवियां या मिरर इमेजेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा ही होगा, अगर आप दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बिल्कुल वैसा ही दिखता है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। परंतु आप गौर से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि दाई ओर वाली चीजें बाई ओर की तरफ दिखती हैं और बाई ओर वाली चीजें दाई ओर। अब प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कुछ गुण याद रखने होंगे। तो सबसे पहला ये है कि प्रश्नों में हमें कुछ इस प्रकार का आकार दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इस ओर वाली वस्तुएं इधर कैसी दिखेंगी। तो अगर हमें कुछ ऐसी सीधी रेखा दी जाएगी तो दर्पण में भी वो ऐसी सीधी ही दिखेगी। अगर हमें कुछ क्षैतिज रेखा दी जाएगी तो दर्पण में भी वो ऐसी ही दिखेगी। अगर हमें वर्ग वृत्त दिया जाए तो दर्पण में वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आता। इसी प्रकार अगर हमें कुछ ऐसी वस्तु दी जाए तो दर्पण में वो कुछ इस प्रकार दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दाई ओर वाला वृत्त है वो हमें दर्पण के अंदर बाई ओर दिख रहा है। अब हमें एक और गुण याद रखना होगा, वो ये है कि अगर हमें कोई दर्पण दिया जाए तो वस्तु का जो डिस्टेंस होता है दर्पण से और उसका जो प्रतिबिंब का डिस्टेंस होता है दर्पण से वो बिल्कुल सेम रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो
अगर हम इस कोने को देखें तो इस कोने की जो दर्पण से दूरी है वो ही दूरी उसके प्रतिबिंब के उसी कोने की दर्पण से होगी। अगर आपको कुछ इस प्रकार का आकार दिया जाए तो दर्पण में उसकी जो छवि है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बाईं ओर वाला जो आकार है वो दाईं ओर दिखेगा और दाईं ओर वाला आकार बाईं ओर दिखेगा, और इस आकार की जो दूरी है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है आईने के अंदर भी। साथियों, अब हम पानी की छवियां या वाटर इमेजेस के बारे में बात करते हैं। तो आपने ये चीज तो देखी ही होगी कि पानी के ऊपर की जो वस्तुएं हैं उनकी परछाई आप कभी कभार पानी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है वो एक दर्पण की तरह काम करता है। तो वाटर इमेजेस के प्रश्नों को सुलझाने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो रेखा दी जाती है वो हमारे एक दर्पण की तरह काम करती है, जो दाई या बाई ओर नहीं परंतु जो हमारा ऑब्जेक्ट या आकृति है उसके नीचे रखी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें यहाँ पे कोई आकृति दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि उसका जो वाटर इमेज है वो यहाँ पे कैसा दिखेगा। तो उसको बनाने के लिए हमें जैसे दर्पण इमेजेस के प्रश्न है वैसे ही सुलझाने हैं, परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि दर्पण अब हमारा नीचे रखा है। जैसा कि हमने दर्पण इमेजेस में देखा है, जो किसी भी कॉर्नर की दूरी होती है आईने से वो बिल्कुल नहीं बदलती है। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो इसके बराबर होगी, और अगर यहाँ पे हमारे को कोई वृत्त दिया गया है तो यहाँ पे भी वो इतनी ही दूरी। अब हमें कुछ इस प्रकार का चित्र दिया जाए तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसका हर कोना कहाँ और किस दिशा में है। तो अगर हम इसका वाटर इमेज देखें तो वो कुछ इस प्रकार आएगा। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ज्योमेट्री का प्रश्न है। यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 384 है और इसके किनारे अनुपात 3, 4, 5 में है तब त्रिभुज की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहले मित्रों हमें त्रिभुज को बनाना होगा और उसकी सारी बाजुएं लिख देनी होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए, बी और सी लिख दिया है। आप जानते ही हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है और उसकी परिधि ये होती है। जहां पे हमारा एस ए जोड़ बी जोड़ सी बाय 2 होता है, जिसे हम हेरॉन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हमें सी स्क्वायर दे रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, ये जो गुण होता है इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो उसका क्षेत्रफल होता है ए गुणा बी गुणा आधा। तो अगर उसको हम यहाँ पे लिखें तो 384 आधा गुणा 3x गुणा 4x होगा। तो इससे हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो 64 आएगा और x हमारा 8 आएगा। अब अगर हम परिधि देखें तो किसी भी त्रिभुज की परिधि होती है ए जोड़ बी जोड़ सी, तो वो होगी 3x जोड़ 4x जोड़ 5x, जो हमारी आएगी 3 जोड़ 4 जोड़ 5 गुणा 8, जो हमें देता है 96 सेंटीमीटर, जो हमारा विकल्प डी है। साथियों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी ज्यामिति का ही प्रश्न है। वो ये कहता है कि 7 वाली आकृति समकोण त्रिभुज एबीसी दिखाती है और समद्विबाहु त्रिभुज एबीडी दिखाती है। इस जानकारी और आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर कोण अल्फा का मान क्या है। तो हमारा जो कोण अल्फा है
वो हमारा एंगल डी ए सी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे। तो अगर हम ए बी सी में देखें तो हम देख सकते हैं कि दो बीटा जोड़ 90 डिग्री हमें 180 डिग्री देता है, क्योंकि दो बीटा जो है हमारा एंगल बी है, बीटा जो है हमारा एंगल सी है, और 90 डिग्री हमारा एंगल ए है। तो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी 180 डिग्री देना चाहिए। तो इसी तरह हमें तीन बीटा जो है 90 डिग्री मिलेगा और बीटा जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे। तो हमारा जो ट्राइंगल ए बी डी है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी और ए डी बराबर है, और एंगल ए बी डी और एंगल ए डी बी वो भी बराबर है। मतलब ये वाला एंगल और ये डी वाला एंगल जो है वो भी बराबर होंगे। तो मैंने वो यहीं पे यही लिखा है। अब अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उससे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल डी होगा वो अल्फा और बीटा का जोड़ होगा। तो मैंने यहाँ पे भी वो ही लिखा है। तो हमारा जो होगा दो बीटा अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा, उससे हमारा अल्फा बीटा के बराबर आएगा जो 30 डिग्री है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी 30 डिग्री। दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो मिरर इमेज या दर्पण छवि का प्रश्न है। तो वो ये कहता है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुनें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। अगर हम दर्पण में इसकी छवि बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसी ही आएगी। फिर हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, इसकी छवि कुछ इस प्रकार आएगी। उसके बाद हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है उसकी छवि हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी, और हमारे पास ये वाला जो स्क्वायर है उसकी छवि कुछ इस प्रकार आएगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारे विकल्प 2 से मैच करता है, तो हमारा उत्तर विकल्प 2 होगा। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो वाटर इमेज या पानी की छवि का प्रश्न है। वो कहता है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति X की सही पानी की छवि चुनें। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं ये वाली जो रेखा है वो दर्पण जैसा काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो ये रेक्टेंगल है या आयत है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा, और ये वाला जो बड़ा वाला रेक्टेंगल या आयत है वो भी ऐसा ही आएगा। उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज है वो भी पानी में ऐसा ही दिखता है, और ये रेखा भी ऐसी ही आएगी। परंतु अब हम देख सकते हैं ये जो दर्पण से वृत्त है उसकी जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये वाला जो वृत्त है वो इधर आएगा और ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पे आएगी। तो हमारी जो ये आकृति है वो हमारे विकल्प 1 से मैच कर रही है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो विकल्प 1 होगा। साथियों हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो कहता है कि विकल्पों में से अक्षरों की सही दर्पण छवि चुनें। तो इसमें मैंने ये जो दर्पण है वो दाई और बाई ओर दोनों तरह बनाया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे दर्पण दाई ओर हो या बाई ओर, हमारी जो आकृति है प्रश्न आकृति उसकी जो छवि है वो बिल्कुल वैसी ही आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि इस ओर 2 है, तो 2 की छवि कुछ ऐसे आती है। फिर Q है, तो Q की छवि कुछ ऐसी आएगी। 1 की छवि कुछ इस प्रकार आएगी, 3 की ऐसे, 4 की ऐसे, S की कुछ इस प्रकार, N की ऐसे और ए की ऐसे। तो हम ध्यान से देखें तो हमारा जो विकल्प ए है वो मैच करता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर हमें
ऐसा दर्पण दिया गया है, तो अगर हमें यहाँ पे ए दिया जाए या एच दिया जाए या आई एम ओ टी यू वी या डब्ल्यू, तो इनकी जो छवियां होती हैं वो भी ऐसी ही दिखती हैं, मतलब इनमें कुछ बदलाव नहीं आता है। हम देख सकते हैं कि अगर हमें एक कुछ ऐसे या जीरो दिया गया है तो उनकी भी छवि बदलती नहीं है। साथियों, ये हमारा एक नया सेक्शन है जो आपके शब्दकोश या वोकैबुलरी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसमें हमारा जो पहला शब्द है वो है चैलेंजिंग, जिसका मतलब है टेस्टिंग वंस एबिलिटीज या डिमांडिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है चुनौतीपूर्ण, जैसे कि एनटीएससी परीक्षा आपके लिए चुनौतीपूर्ण है या चैलेंजिंग है। अब हमारा दूसरा शब्द है डिजर्व, जिसका मतलब है शो क्वालिटीज वर्दी ऑफ। इसका मतलब है किसी चीज के योग्य होना या उसके लायक होना। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप एनटीएससी परीक्षा को पार करने के लायक होते हैं या आप डिजर्व करते हैं उसको पार करने के। हमारा जो आखिरी शब्द है उसका मतलब होता है कम्युनिटी। इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। इसका मतलब होता है एक समुदाय, जैसा आप और आपके दोस्त एक जगह पढ़ते हैं या आप कुछ एक जैसे इंटरेस्ट शेयर करते हैं, तो आप सब एक समुदाय बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।